नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में झमाझम बारिश शुरू, बोल्डर गिरने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। आज सुबह से झमाझम बारिश शुरू हुई तो गर्मी से लोगों को निजात मिली, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित बारिश पूरे जनपद में हुई। वहीं बारिश से स्वारी गार्ड के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थयात्रियों सहित आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। केदारनाथ हाथा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक यात्री की मौत, 3 घायल। जिले में बारिश का कहर जारी है। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 यात्री घायल हो गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि घायलों का स्वास्थ्य केंद्र सोनप्रयाग में उपचार चल रहा है। कपकोट में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। कपकोट क्षेत्र के भनार में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक का नाम हेमंत राठौर पुत्र राम सिंह राठौर बताया जा रहा है। बता दें कि जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र में बीते दिन भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से कपकोट ब्लॉक का अशो में स्थापित उपकेंद्र ANM सेंटर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। उत्तराखंड में बारिश से त्राही माम जलमग्न हुई हरिद्वार की सड़कें। हरिद्वार में मानसून के दौरान नगर निगम की तैयारियों के बारिश ने पोल खोल दी है। शहर की सड़कों पर जलभराव की समस्या से वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। हरिद्वार के सबसे पॉश इलाके रानीपुर मोड़ के पास जलभराव होने के कारण एक बस फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किलों के बाद निकाला गया। ऋषिकेश प्रगति विहार में MDDA की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता PP सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ MDDA की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध निर्माण में किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशीपुर में छात्राओं को मिलेगी साइकिल, रोटरी क्लब के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे CM धामी। 1 जुलाई को रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की ओर कन्याश्री साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएगी। रोटरी क्लब की माने तो इसका उद्देश्य अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षित करना है। सिगड्डी रामनगर बस सेवा शुरू, विस अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। सिगड्डी कोटद्वार रामनगर बस शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने विधानसभा स्पीकर रेतु खंडूड़ी का आभार जताया। कोरोना काल में बस का संचालन बंद हो गया था, रेतु खंडूड़ी ने पूजा अर्चना कर बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मती सुबोध उनियाल बोले, कांवड़ यात्रा के लिए अभी से कस ले कमर। कांवड़ यात्रा के तहत इंतजामों को चाक चौबंद कराने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही यात्रा के लिए अधिकारी को निर्देशित किया। मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी अभी से यात्रा की सभी तैयारी को दुरुस्त कर ले। उत्तराखंड कांग्रेस में कप्तान बदले, टीम वही पुरानी, नई कार्यकारिणी बनाने पर में कमजोर दिखे मैरा। उत्तराखंड में भाजपा के मौजूद संगठन को भापने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने संगठन की मजबूती को लेकर लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस में अभी भी प्रीतम सिंह की अध्यक्ष रहने के दौरान बनाई गई कार्यकारिणी काम कर रही है, जबकि इस बीच कांग्रेस ने 2 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, मगर ये दोनों ही अपनी नई टीम बनाने में कमजोर दिखाई दिए। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इसकी तस्दीक कर रहा है। ग्राम सभा हिम्मतपुर डोटियाल के ग्रामीणों ने CTR उपनिदेशक से की मुलाकात, रखी ये मांग। हिम्मतपुर डोटियाल के ग्रामीणों के पार्क प्रशासन से सही सर्वे कर स्थानीय लोगों अतिक्रमण कार्यों की सूची से बाहर करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पार्क के बीच वाटर सहित कुछ वनकर्मी स्थानीय लोगों से अभद्रता कर रहे हैं। रूठी माँ बेटी गैंगरेप, 100 लाख से 5000 रुपए तक पहुंची पुलिस, BKU टिकट गुट का मंडल महासचिव भी शामिल। आखिरकार पुलिस ने 24 जून को रात रूड़की में माँ बेटी से गैंगरेप करने वाले 5 हैवानों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसमें एक भारतीय किसान यूनियन का मंडल महासचिव भी शामिल है। एक आरोपी सोनू स्थानीय है। इस गंभीर घटना के बाद प्रेशर में आई हरिद्वार पुलिस ने 6 दिनों के अंदर सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया। खुलासा करने वाली टीम को 50,000 का इनाम भी दिया गया। रघुनाथ का धामी सरकार से सवाल, हरक्के काले कारनामों की SIT जांच का क्या हुआ। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी अपने कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और अपनी उपलब्धि भी गिनवा रहे हैं। इधर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी धामी सरकार पर हमलावर हुए हैं। उनका कहना है कि हरक सिंह रावत के कार्यकाल में कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले, जिस पर SIT की जाँच कराने की बात कही गयी थी, अब उनके दावे कहाँ गए हैं। धामी सरकार 2.0 100 दिन। रुद्रपुर और खानपुर में लाभार्थियों को बांटे चेक। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 60 से अधिक लाभार्थियों को PM आवास योजना के तहत बने आवास की डमी चाबी और 5,000 के डमी चेक वितरित किए गए। वहीं खानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी गई। उत्तराखंड में कल से प्लास्टिक मुक्त अभियान, हर की पैड़ी पर नहीं मिलेगी केन और पॉलीथिन। उत्तराखंड में कल से प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार में इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार में गंगा घाटों पर कल से प्लास्टिक की केन और पॉलीथिन नहीं मिलेगी। यदि कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौला नदी में सिल्ट आने से पेयजल व्यवस्था ठप, जल संस्थान के फिल्टर प्लांट ने भी काम करना किया बंद। गौला नदी में सिल्ट आने से शहर की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। सिल्ट आने के कारण जल संस्थान के फिल्टर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया, जिससे परेशानियां और बढ़ गई हैं। 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड धारकों के डायलिसिस पर संकट, बकाया नहीं मिलने पर कंपनी ने हाथ किए खड़े। हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान किडनी मरीजों को 1 जुलाई
से डायलिसिस के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के तहत डायलिसिस की सुविधा देने वाली नेफ्रो प्लस कंपनी ने 2020 से भुगतान नहीं मिलने पर 1 जुलाई से डायलिसिस करने से हाथ खड़े कर दिए। नेफ्रो प्लस कंपनी के 4,90,00,000 रुपए बकाया है। उदयपुर मर्डर। उत्तराखंड में सड़क पर उतरे हिंदूवादी संगठन, हत्यारों को फांसी देने की मांग। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में उत्तराखंड में हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। हल्द्वानी मसूरी और राजधानी देहरादून में बजरंग दल और करणी सेना ने घटना की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। कांस्टेबल की मौत का मामला। वीडियो बनाने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, सीओ डोईवाला करेंगे जांच। राजधानी देहरादून में बीते रविवार को उत्तराखंड पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था। चिता पुलिसकर्मी की लापरवाही के कारण रविवार को सड़क हादसे में घायल हुए हेड कांस्टेबल राकेश राठौर की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पूरे मामले में वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर दर की पहाड़ियां, 2 दिन में 2 की मौत, 13 घायल। बारिश के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर जोरदार भूस्खलन हो रहा है। वाहन चालकों को पहाड़ी से बोल्डर गिरने का डर सता रहा है। ऐसे में केदारनाथ से आने जाने वाले यात्री सोनप्रयाग से पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बारिश होने पर बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह दरक रही हैं। हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाना हुआ महंगा, आज से इतनी ज्यादा खाली होगी जेब। हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली जाने के लिए अब लोगों को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। देहरादून से दिल्ली का सफर कल यानी 1 जुलाई से महंगा होने जा रहा है, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल दरें बढ़ाई जा रही है। नई टोल दर 30 जून रात 12 बजे से लागू होगी। 1 जुलाई से यहां से गुजरने वाले 15 से 80 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च उठाना होगा। निषाद पार्टी ने एमएलए प्रदीप बत्रा से कहा माफी मांगे, व्यापार मंडल अध्यक्ष का फूका पुतला। निषाद पार्टी और कश्यप समाज ने रोकी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप का पुतला फूकने के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा ने ओछी राजनीति के चलते उनका पुतला फूका। प्रदीप बत्रा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रेप के मामले में कांग्रेस नेता तरुण शाह को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। रेप के मामले में आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण शाह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। अब सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को दोगुना मुआवजा देगी धामी सरकार। हर साल हजारों गंवाते हैं जान। सड़क हादसों के मामले में उत्तराखंड का देश का 10वां स्थान है। यहाँ हर साल 1000 लोग सड़क हादसे में अपनी जवान गंवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। बागेश्वर में भारी बारिश से 3 पुलिया और रोड क्षतिग्रस्त। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में मानसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं के कई जगहों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भंडे ने मंडल के सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सोमेश्वर में 3 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सोमेश्वर पुलिस लगातार सघन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ताकुला में 3 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। कांवड़ मेले से पहले एक्शन में हरिद्वार प्रशासन, चलाए अतिक्रमण हटाओ अभियान। कांवड़ मेले में पहले से हरिद्वार जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने शिवमूर्ति चौराहे से भीमगोड़ा बैरियर तक अतिक्रमण हटाया। देहरादून साइबर सेल ने 15 लाख की कीमत के 82 मोबाइल फोन किए बरामद। राजधानी देहरादून की साइबर क्राइम पुलिस ने साल 2022 में खोए 82 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। देहरादून एसपी जन्मे खंडूरी ने बताया कि खोए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए उनकी ओर से निर्देशित किया गया था। इसके बाद सभी मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आदि राज्यों से बरामद किया गया है। कोरोनेशन अस्पताल को मिला 10 बेड का आईसीयू, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। कोरोनेशन अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत यहां मौजूद रहे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।